ग्रीटिंग्स एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है 3। ये है बेटा आपकी 6th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। जैसा कि विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट ये हमारी 14/7/2021 की, यानी कि 14 जुलाई 2021 आपकी बुधवार की वर्कशीट है। तो उप विषय यानी कि विषय है नगर प्रशासन के कार्यों की समझ। की आज की वर्कशीट में हम नगर प्रशासन के कार्यों के बारे में समझेंगे। गतिविधि एक दी गई है कि आपके घर में अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी किन सदस्यों के ऊपर होती है। देखिए बेटा, घर में बहुत सारे काम होते हैं। खाना बनाना होता है, डस्टिंग करनी होती है, बाजार का काम करना होता है, या और जो घर की जिम्मेदारी होती है, ये सारे कार्य हमारे घर में कौन कौन करता है। तो देखिए बेटा, सबके घर में अलग अलग तरीके से जो है लोग अपने कामों की जिम्मेदारी लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर घर के कार्य कौन। घर के क्या क्या कार्य होते हैं बेटा। घर का काम करना, घर का खर्च चलाना, साफ़ सफाई करना, बाजार के कार्य होते हैं। तो वो जिस सदस्य पर उनकी जिम्मेदारी होती है उनके नाम लिखने हैं यहाँ पर। बेटा मैं आपको फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, आपको एज इट इज़ ऐसे के ऐसे लिखने ज़रूरी नहीं है। आप अपने तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके घर में क्या क्या कार्य हैं और उन कार्य को कौन करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए, घर का काम कौन करती है। घर का काम ज़्यादातर मम्मियाँ ही करती हैं। ठीक है, अगर घर का खर्च कौन चलाता है। घर का खर्च किसी पापा चलाते हैं। ज़्यादातर घरों में घर का खर्च कौन चलाता है, पापा चलाते हैं। अगर मम्मी भी वर्किंग है तो यहाँ पर आप मम्मी भी लिख सकते हैं। इसके बाद बेटा साफ़ सफाई। साफ़ सफाई अगर किसी की बड़ी बहन है तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेरी बड़ी बहन साफ़ सफाई कर देती है, और बाज़ार के कार्य पापा और मम्मी दोनों ही साथ में मिलकर कर लेते हैं। आगे है बेटा गतिविधि नंबर 2 क्या दी गई है। पता कीजिए कि निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेदारी किस पर है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है कि गली में ट्यूबलाइट खराब होने पर कौन बदलता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नगर निगम। कौन बदलता है बेटा, ये किसकी जिम्मेदारी होती है। जो भी आपके वहाँ का नगर निगम है वो बदलता है। जैसे आपके घर के आसपास की गलियाँ और सड़कें ठीक कराना या नई सड़क बनाना कौन करता है, नगर निगम। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, नगर निगम। आपके घर में पीने के पानी की आपूर्ति की जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा, नगर निगम। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, नगर निगम। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिखेंगे नगर निगम। आपके मोहल्ले की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है, नगर निगम की। आपके मोहल्ले के पार्कों के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा, नगर निगम की। और संपत्ति कर एकत्रित करने का कार्य कौन करता है बेटा, नगर निगम के अधिकारी ही करते हैं। तो इनमें सभी में क्या आएगा, नगर निगम। ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है कि अपने माता पिता अध्यापक से पता करें तथा लिखें। सबसे पहले क्या दिया गया है कि अपने क्षेत्र के नगर निगम पार्षद का नाम बताइए। देखिए बेटा, हर क्षेत्र का निगम पार्षद अलग अलग होता है, इसलिए मैं यहाँ पर नाम नहीं लिखूंगी। आपको अपने नगर पार्षद का नाम अपने माता पिता की हेल्प से या अध्यापक की हेल्प से पूछकर यहाँ पर लिखना होगा। आप अपने मम्मी पापा से पूछकर यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र का निगम पार्षद अलग अलग होता है। और उसके क्या कार्य होते हैं, कार्य देखिए कार्य समान होते हैं, क्योंकि हर जगह पीने के पानी की व्यवस्था करनी होती है, मोहल्ले के पार्कों के रख रखाव की जिम्मेदारी करनी होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर क्या होता है कि अपने क्षेत्र के विधायक का नाम लिखिए, उसके 2 कार्य लिखिए। तो फिर यहाँ पर वही बात आती है कि विधायक का नाम, हर क्षेत्र का विधायक अलग अलग होता है, इसके कार्य मैं आपको लिखवा देती हूँ। आप इनकी जगह और भी कार्य लिख सकते हैं कि विधायक के 2 मुख्य कार्य होते हैं। एक तो होता है कानून बनाना और दूसरा होता है कृषि और सिंचाई व्यवस्था करना। ये विधायक के कार्य होते हैं, आप इनकी जगह और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आप अपने विधायक का नाम, अपने नगर पार्षद का नाम, अपने माता पिता की हेल्प से यहाँ पर लिखेंगे, और उनके कार्य आप जो है इनके हेल्प से लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।